हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं डीप वाटर की। दिस चैप्टर इज रिटन बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस इस एसेस का एक लेखक है और वह अपनी कहानी लगभग उस समय से शुरू करता है जब उसकी उम्र 3 या 4 साल की होती है। उसके पिता उसे समुद्र के किनारे पर ले जाते हैं और वह बीच पर जाकर अपने पिता से चिपटा हुआ है, परंतु एक शक्तिशाली लहर आई और उसे बच्चे ने पटक दिया। पानी इसके ऊपर से बहने होकर बह गया। उसी समय बच्चे के दिल में पानी का डर बैठ गया। फिर भी वह थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने तैरना सीखने का फैसला किया। वह एक स्थानीय क्लब में तैरने का प्रैक्टिस लेने के लिए गया। वहाँ भी उसे एक डरावना ही एक्सपीरियंस हुआ। एक बार बड़ी उम्र के एक लड़के ने उसे उठाया और तालाब के गहरे वाले सिरे से उसे पानी में फेंक दिया। लेखक ने पानी के साथ इतनी ही अच्छी तरह से संघर्ष किया जितना वह कर सकता था। वह बिल्कुल डर गया। जब उसके सभी प्रयत्न व्यर्थ रहे तो उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। अब उसका सारा डर जाता रहा, खत्म हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे नींद आ रही हो। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सौभाग्य से उसे डूबने से बचा लिया गया तथा तालाब से बाहर लाया गया। वह डर लेखक के कई सालों तक लेखक के हृदय में बैठा रहा। उस डर ने उसे मछली के शिकार का, नाव के सैर करने का और तैरने का सारा मजा किरकिरा कर दिया। लेखक कुछ प्रसिद्धि पाने वाले स्थानों पर जाने का मौका मिला, परंतु जब वह अपने पैर पानी के अंदर डालने की कोशिश करता उसका पुराना डर एकदम से वापस लौट आता। अंत में लेखक ने एक प्रशिक्षक से तैरने सीखने का फैसला किया। जब प्रशिक्षक एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति था, उसने लेखक को एक कुशल और आत्मविश्वास के साथ भरपूर तैराक बना दिया। वह बड़ी बड़ी नदियों और झीलों में कई कई मीलों तक तैर सकता था। उसका सारा पुराना डर छूट गया, परंतु लेखक के इस अनुभव ने उसे उसके सामने एक महान सच्चाई को उजागर कर दिया। भय केवल मृत्यु के डरने में ही होता है, परंु मृत्यु में शांति होती है। इसलिए हम केवल यही करना होगा कि हम डर पर ही काबू पा लें। तो इस चैप्टर को मैं आपको एक बार, इसकी समरी मैंने आपको बताई, अब हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। जब मैं लगभग 10-11 साल का था तो उस समय ये मेरे साथ घटना घटित हुई। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरने का निश्चय किया। देर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। यहाँ याकिमा में नदी में एक YMCA पूल, तालाब। YMCA means Young Men Christian Association नामक एक पूल था जहाँ पर वास्तव में ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते थे। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। याकिमा रिवर जो थी वो बड़ी ही खतरनाक थी। ट्रीचरस means बड़ी ही हॉररफुल। मदर कंटिन्यूसली वार्न अगेंस्ट इट। मेरी माँ मुझे इसके प्रति हमेशा चेताती रहती थी। एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। और मेरे दिमाग में हमेशा प्रत्येक डूबने वाली तस्वीर को ताज़ा रखती थी। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पुल बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप। लगभग ये 2-3 feet गहरा था। एट द शालो एंड, शालो एंड मतलब किनारों से। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और जबकि दूसरे एंड पर यह 9 feet गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। इसमें गहराई जो थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती थी।
आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जोड़ा जल पंख का लिया एंड वेंट टू द पूल और तालाब चला गया, तालाब के अंदर चला गया। आई हेट इट टू वॉक नेगेड इन टू इट, मुझे नंगे जाना या कपड़े उतार कर जाने से घृणा थी एंड शो माई स्कीमी लेग, और अपनी दुबली पतली टांगे दिखाने में मुझे शर्म आती थी या घृणा करता था। बट आई सबडू माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मुझे अपने गर्व पर काबू पाया और मैंने ये काम किया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही। However, I had aversion to the water when I was in it. शुरू से ही, यद्यपि, जब भी मैं कभी पानी के पास होता था या पानी में होता था तो मुझे इससे भय लगता था। Aversion मतलब थोड़ा सा भय लगना। This started when I was 3 or 4 years old. यह घटना उस समय शुरू हुई थी जब मैं 3-4 साल का था। And father took me टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर, बीच पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, वह और मैं झाग में समुन्द्र के किनारे इकट्ठे खड़े हुए थे। आई हंग टू हिम, मैं उनसे चिपका हुआ था। येट द वेव नोकड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और यद्यपि लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज ब्रिड इन वाटर, में पानी में डूबा हुआ था। माई ब्रीथ वॉज गोन, मेरी सांस जा चुकी थी, यानी कि मैं सांस भूल गया था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन जो समुद्री लहरों की जो ताकत थी उनसे मेरे दिल में एक आतंक या भय बैठ गया। My introduction to the YMC swimming pool revived unpleasant, no more instilled childish fear. मेरा परिचय जो था YMCA पूल से, मेरा जो परिचय था revived unpleasant, वो मेरे जीवन में हमेशा एक असुखद यादों के रूप में, बचपनी या बचपन के भय के रूप में, असुखद भय के रूप में हमेशा कई बार पुनर्जीवित हो जाता। रिवाइव्ड का मतलब पिछली बातें पुनर्जीवित हो जाती। बट इन ए लिटल वाइल, लेकिन थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने साहस प्राप्त किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए जल पंख से पानी में तैरा। वॉचिंग द अदर बॉय एंड ट्राइंग टू लर्निंग बाई एपिंग देम, और उन लड़कों को देखकर उनकी नकल करने का मैंने प्रयत्न किया या कोशिश की। I did this too for 3 times in different way. मैंने यह 2-3 अलग अलग तरीके से किया। And was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और मैंने अभी कुछ राहत ही महसूस शुरू की थी तभी एक दुखद घटना मेरे साथ घटी। I went to the pool when no one else was there. मैं पूल के अंदर गया जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शिथिल था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथ टब, और टाइल का जो तलैटी जो थी वो टाइल की थी और बिल्कुल बाथ टब जो भी साफ थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेले अंदर जाने से डरा हुआ था। सो आई सेट ऑन द हाइट साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, इसलिए मैं पूल के साइड में बैठ गया किसी दूसरे के आने का इंतजार करने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन केम ए बिग क्रूजर ऑफ ए बॉय। आई हैड बीन देयर लॉन्ग वैन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, वहाँ पर बैठे हुए मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था तभी एक बहादुर लड़का वहाँ आया। प्रोबेबली 18 years old, शायद संभवतः वह 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती के ऊपर गहरे बाल थे।
ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन। उसका शरीर बड़ा ही सुडोल था, विद लेग एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मस्कल। उसकी हाथें टांगें बिल्कुल सुडोल लग रही थी। ही यील्ड, उसने चिल्लाते हुए कहा, हे स्किनी, अरे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, कैसा लगेगा यदि तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए। विद दैट ही पिकड मी अप एंड टोस्ट मी इन टू ए डीप एंड। यह कहकर उसने मुझे उठाया और पानी में जोर से फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं बैठी हुई अवस्था में पोजिशन में नीचे गया, पानी में गया। स्वालोड वाटर, पानी मैंने गले में गया, मैंने गले से मेरे पानी उतर गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत मैं तलेटी पर पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नोट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी डरा नहीं था कि मैं कोई मेरी बुद्धि काम ना कर रही हो। ऑन द वे डाउन आई प्लान, नीचे जाते समय हुए मैंने एक योजना बनाई। वैन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर तलैटी से टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं जोर की छलांग लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और धरातल पर या बाहर पानी से आ जाऊंगा, लाई फ्लैट डाउन, और इस पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं किनारे तक तैरता हुआ, तालाब के किनारे तक तैरता हुआ पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, मुझे नीचे की यात्रा जो थी या नीचे जाने का जो मेरी यात्रा जो थी वो बड़ी ही मुझे लंबी लग रही थी। दोज 9 feet वर मोर लाइकली 90, वो 9 feet की गहराई मुझे 90 feet जैसी नजर आ रही थी। एंड देयर फोर आई टच्ड बॉटम, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और जब मैंने अपने तलैटी को छुआ तो मेरे फेफड़े जो थे वो रेडी टू ब्रस्ट, मतलब फटने को तैयार या बिल्कुल सांस खत्म होने वाला था। बट वैन माई फिट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर तलैटी से टकराए या छुआ, आई सम्मन ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी सारी शक्ति लगाई। एंड मेड वट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैंने सोचा, मेरा विचार था कि मैं एक स्प्रिंग की तरह से ऊपर की ओर उछलूंगा। आई इमेजिन्ड आई वुड बोब टू द सर्फेस लाइक ए कोर्क, मैंने कल्पना की कि मैं एक कोर्क की भांति पानी से बाहर अपना मुंह निकाल लूंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इसके बजाय मैं तो पानी से बाहर बहुत धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे पानी की सिवाय कुछ नजर नहीं आया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंगल टू इट, एक ऐसा गंदा पानी, पीलापन जिसमें, या गंदा पानी, मटियाली रंग का पानी पीला पीला नजर आया। आई ग्रीव पैनिकली, मैं बिल्कुल घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मैं ऊपर की ओर ऐसे लपका जैसे कोई रस्से को पकड़ना चाहता हूँ, या उसको पकड़ अपनी पकड़ में लेना चाहता हूँ। माई हैंड क्लचड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब दम घुटना, मेरा दम घुट रहा था या मेरा सांस खत्म होता जा रहा। आई ट्राई टू यल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, उसके बाद मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर आए, बट नोट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। आई फ्लेडिड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने अपने पानी की सतह पर अपने हाथों को मारा। स्वालोड एंड चोक, पानी निकल गया और मेरा गला रुक गया। आई ट्राइड ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयत्न किया, बट देव हंग एज बैड वेट, लेकिन वो मेरी टांगें ऐसे लटके हुई थी जैसे कि मरे हुए
आदमी का कोई या मरे हुई कोई वजन हो या वजन की जैसे मुझे अपनी टांगें लग रही थी, पैरालाइज, बिल्कुल पक्षाघात एंड रिग्ड और बिल्कुल जमी हुई सी। ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, कोई बड़ी ताकत मुझे अंदर की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज़ को सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब मैं उस तालाब की तलहटी में अपनी नीचे की ओर लंबी यात्रा शुरू कर चुका था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, पानी में नीचे जाते हुए समय मैंने अपने हाथ पैर मारे, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एट एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट इन इनरेसिस्टिबल फोर्स, और मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर नीचे जाते हुए अपनी पूरी शक्ति लगाकर एज वन एज नाइटमेयर, जैसे ही पूरी शक्ति लगाकर जैसे कि मैं सपने में कोई इनरेसिस्टिबल फोर्स, कोई बिल्कुल आकर्षित या यूँ कह सकते हैं कि अप्रिय शक्ति मुझे एक सौ दूसपन की फोर्स मुझे अपनी ताकत खींच रही हूँ। आई हैड लॉस्ट माई ऑल स्ट्रेंथ, मैं अपनी पूरी शक्ति खो चुका था। माई लंग्स एचिज, मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे। माई हैड थ्रोट, मेरा सर धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक ए कॉर्क ऑफ द सरफेस, लेकिन स्ट्रेटजी वो मुझे स्ट्रेटजी वह कला मुझे अभी याद थी कि जब मैं तलेटी से पुल की तलेटी से टकराऊंगा तो मैं एक कॉर्क की तरह से बाहर आ जाऊंगा और सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वॉटर, और मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट माई आर्म्स, अपने हाथ बाहर निकालूंगा एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपनी हाथ पैर मारूंगा पानी में उनको या पानी से उनको पीटूंगा। देन आई वुड गो गेट ए एज ऑफ द पूल एंड बी सेव, और फिर मैं किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं तो नीचे ही जाता रहा। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, मुझे कुछ नहीं नजर नहीं आया बल्कि एक पीली चमक वाला पानी ही पानी नजर आ रहा था। डार्क वाटर, काला पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, जिसमें से कोई भी कुछ नहीं देख सकता। एंड देन सीड स्ट्रक टेरर सीज मी, और फिर मुझे एक भयानक डर ने जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा भय जिसकी कोई समझ नहीं होती है। टेरर दैट नो कंट्रोल, एक ऐसा भय जिसका ऊपर कोई नियंत्रण न हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा भय जिसको कोई नहीं समझ सकता। हू कैन नोट एक्सपीरियंस, जिसने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो वो नहीं समझ सकता। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं तो पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर शिथिर हो गया था, पैरालाइज हो गया था, स्टिफ भीरू बन गया था, रिग्ड ठंडा हो गया था भय से। वैन द स्क्रीम ऑफ माई थ्रोट वर फ्रोजन, जब मेरे गले की चीखें बिल्कुल जम चुकी थी या यूं कहें कि बंद हो चुकी थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे दिल में मेरे सर में धक धक करना। सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, मुझे इससे यह लग रहा था कि मैं अभी कम से कम जीवित तो हूं। देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और फिर उस डर के बीच मुझे कुछ स्पर्श हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प वैन आई हिट बॉटम, मुझे वो बात याद थी कि जब मैं बॉटम से तलहटी से पहुंच जाऊंगा या टकराऊंगा। एट लास्ट आई
फेल्ट द टाइल अंडर मी। आखिर मेरे पैरों के नीचे नीचे मैंने टाइल्स का वो एहसास किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम। मेरे उंगलियों के अग्रिम भाग, टो मीन्स उंगलियों के अग्रिम भाग, उन्हें पकड़ने के लिए आगे निकले। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मैं जो कुछ भी कर सकता था या जितना भी मैं जोर लगा सकता था उससे मैं उतना ही उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन मेरे उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी। पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुकड फॉर रोप्स। मैंने रस्से को ढूंढा, लैडर सीढ़ी को ढूंढा, वाटर विंग्स जलपंख को ढूंढा। नथिंग बट वाटर। लेकिन वहाँ मुझे पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आया। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। एक पानी की भारी मात्रा ने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। एक भयानक भय मैं बिल्कुल जकड़ गया था। मैं एक लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि किसी मुझे बिजली का बड़ा ही चार्ज लग गया हो या करंट लग गया हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। मैं भय से डरा और कांपा, हिला और कांपा। माई आर्म वुड नॉट मूव। मेरी बाजुएं नहीं हिली। माई लैग वुड नॉट मूव। मेरी टांगें भी नहीं हिली। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने सहायता के लिए चिल्लाने का प्रयत्न किया। टू कॉल फॉर मदर। माँ को पुकारा। नथिंग हैपन। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। एंड देन स्ट्रेंजली देर वॉज लाइट। और फिर अचानक उजाला हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आयफुल येलो वाटर। मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर। कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी। द नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट। लगभग मेरा नाक भी बाहर नजर आया न लगभग मेरी नाक भी बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाने का जाना मेरा शुरू हुआ। आई सक्ड फॉर एयर। मैंने हवा खींचने का प्रयत्न किया। एंड गोट वाटर। लेकिन पानी चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब जो पीली रोशनी या पानी का जो पीला रंग था वो भी अब गायब हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज। फिर सारे मेरे प्रयास जो थे वो बंद हो गए, खत्म हो गए, रुक गए। आई रिलैक्स्ड। मुझे राहत मिली। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम। यहाँ तक कि मेरी टांगें भी बिल्कुल शिथिल हो गई थी। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और एक मेरे दिमाग पर बिल्कुल कालापन छा गया था। आई वाइप्ड आउट फियर। मैंने अपने डर को अब पहुँच दिया था या मेरे अंदर से डर निकल गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर। इसने मेरे भय को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक। अब मैं डर नहीं रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। बिल्कुल सन्नाटा और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। मुझे डरने की अब जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस। ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी। सोना, नींद आना, ऊँगना अच्छा है। टू गो टू स्लीप। सोना अच्छा है। नो नीड टू जंप। अब उछलने की जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप। उछलने के मैं उछल भी नहीं सकता था क्योंकि मैं बहुत थक गया था। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली। अच्छा है कि मैं आराम से बिल्कुल यहाँ आराम पूर्वक रहूँ। टू फ्लोट अलोन इन स्पेस। इस स्पेस पर, इस स्थान पर, इस जगह पर मैं अकेला तैरता रहूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी। बड़ी ही कोमल बाजुएं मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर। बिल्कुल माँ जैसी कोमल भुजाएं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब मुझे सो जाना चाहिए।
आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवन, मैं अब बिल्कुल विस्मृति में चला गया था, एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरा जीवन लगभग समाप्त हो गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, आगे मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन द स्टोमच बिसाइड द पूल, मुझे याद है कि मैं उस तालाब की बगल में लेटा हुआ था, वोमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज शेइंग, वह लड़का, चैप मीन्स लड़का, वह लड़का जिसने मुझे उठाकर फेंका था, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, क्या कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, कि यह बच्चा, लड़का लगभग मर गया है। बी ऑल राइट नाउ, ठीक है, लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, ठीक है, उसे कपड़े बदलने के स्थान पर ले चलते हैं। लॉकर रूम मीन्स जहां पर हम अपने क्लोथिंग चेंज करते हैं। सेवरल आवर लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉक्ड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमजोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड कैरीड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं जब भी बिस्तर पर हिलता, लेटा, तो मैं चिल्लाता या रोया। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। फोर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, काफ़ी दिनों तक यह भय मेरा पीछा करता रहा, मेरे दिल में बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सटर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा श्रम करने से भी मैं परेशान हो जाता। मेकिंग मी वूबी इन द नी, उससे मेरे घुटने कांपने लग जाते। एंड सिक टू माई स्टोमच, और मेरे उल्टी, पेट में उल्टी आनी शुरू हो जाती। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस दोबारा उस पूल पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जितना भी हो सके मैं पानी से अब दूर ही रहता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर वैन आई केम टू नो दैट द वाटर ऑफ द कास्केट्स, और कुछ सालों बाद जब मुझे कास्केड के झरने के बारे में, वाटरफॉल के बारे में सुना या पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं उनमें जाना चाहता था, वहाँ जाना चाहता था झरने पर। एंड वैन एवर आई डिड, और जब भी मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टॉइटियन और बम्पिंग रिवर, चाहे मैं बेशक टॉइटियन और बम्पिंग रिवर में की कम गहराई में जा रहा हो, पानी में घुस रहा हो, और बाथिंग इन वार्म लेक, या वार्म लेक में स्नान कर रहा हो ऑफ द गोट रॉक्स के नामक लेक के पास, रोकों के पास मैं कभी स्नान करना चाह रहा होता। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वह भयानक आतंक, डर जिसने मुझे जकड़ रखा था, वुड कम बैक, वो वापिस आ जाता, यानी कि पुनर्जीवित हो जाता। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इसने मुझे अपने भावना में बिल्कुल जकड़ लिया था। माई लेग वुड बिकम पैरालाइज, मेरी टांगें बिल्कुल पैरालाइज हो जाती, शिथिर हो जाती। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, एक भयानक, खतरनाक भय मेरे दिल को पकड़ लेता, जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ये मेरा अपंग होना या हैंडीकैप्ड होना लगभग सालों तक जारी रहा, या सालों तक इस भय ने मुझे जकड़ा रहा। इन द कैनोइंस ऑफ मेन लेक्स फिशिंग, चपटी पेंदी वाली जो नाव होती है मेन्स लेक्स में मछली पकड़ने में के लिए, जिसका प्रयोग किया जाता था फॉर लैंडलॉक सेलमेंस या लैंडलॉक सेलमेंस के लिए, बास फिशिंग इन न्यू हेम्सफेयर में
बास फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए, ट्राउट फिशिंग ऑन द डस्टेस एंड मेटेलियस इन ऑर्गेन, या बेशक डस्टेस और मेटेलियस ऑर्गेन में कभी मछली पकड़ने का मन हो, फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, या कोलंबिया के सैलमोन्स में जाने का विचार हो, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, या कास्केड में बम्पिंग लेक जाना हो, वेन एवर आई वेंट, जब भी मैं कभी वहाँ गया, द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो यह मुझे जो आतंक या भय जो जकड़े हुए था वो मेरे अंदर फिर से आ जाता। इट रूइंड आइल वाइल्ड फिशिंग ट्रिप्स, इस भय ने मेरी सारी मछली पकड़ने की यात्राएं बर्बाद कर दी, नष्ट कर दी। डिप्राइड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, नौकायन करने में का सारा मेरा जॉय था वो उससे मुझे वंचित कर दिया, बोटिंग करने का से मुझे वंचित कर दिया, एंड स्विमिंग करने से मुझे वंचित, यानी मेरा सारा मजा खत्म कर दिया। आई यूज एवरी वे आई नीड टू ओवरकम दिस फियर, इस भय के ऊपर, इस भय पर जो मैं काबू पा सकता था उससे हरेक चीज़ का मैंने प्रयत्न किया या इसे छुटकारा पाने का प्रयत्न किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में मजबूती से पकड़ रखा था, जकड़ रखा। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिर 1 अक्टूबर को आई डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, तो मैंने निश्चय किया कि मैं किसी इंस्ट्रक्टर निरीक्षक को ले लेता हूँ, एंड लर्न टू स्विम, और उससे तैराकी सीखता हूँ। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, मैं तालाब पर गया और मैं सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करता, एन ऑर्डर ईच डे, और रोजाना लगभग 1 घंटे प्रैक्टिस करता। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उस निरीक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट डाल दी, ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेन थ्रो ए पुली, और उसने एक रस्से से बेल्ट में से एक पुली डालकर रस्से से मुझे ऊपर बांध दिया, दैट रन ऑन द ओवर हेड केबल, जो कि ऊपर केबल से बंधा हुआ था। ही होल्ड मी टू द एंड ऑफ द रोप, उसने मुझे रस्से के ऊपर से पकड़ रखा था। एंड वेन एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, इससे हम आगे पीछे जाते, बैक एंड फोर्थ, इधर उधर घूमते अक्रॉस द पूरे पुल में, इस तरह आगे पीछे हम उसकी पूरी तैराकी पूरी करते, ओवर आफ्टर ओवर, घंटों तक, डे आफ्टर डे, दिनों तक, वीक आफ्टर वीक, सप्ताहों तक, इस प्रकार से हम उसके ऊपर आगे पीछे जाकर इधर उधर घूमकर अपनी प्रैक्टिस करते। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, जब भी कभी मैं इस पुल का मैंने तैराकी पार किया, तैरकर पार किया, ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, तो फिर वही थोड़ा सा भयानक डर मुझे जकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, प्रत्येक टाइम प्रशिक्षक जो था वो अपनी पकड़ से रस्से को ढीला कर देता, एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, वह पुराना भय वापिस आ जाता, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती, रुक जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने से अब यह जो टेंशन तनाव जो था वो धीरे धीरे कुछ मेरे अंदर कम होना शुरू हुआ। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उसने मुझे अपना चेहरा पानी के अंदर रखना सिखाया, एंड एग्जेट, और सांस खींचना, नसा छोड़ना, एंड टू रेज माई नोज एंड ही, और अपने नाक को उठाना और अंदर सांस खींचना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100s of times, मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार दोहराया, बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, फिर जिस भयानक आतंक ने डर ने मुझे जकड़ रखा था वो थोड़ा कम हुआ। वैन माई हेड वेंट अंडर, जब मेरा सर पानी के नीचे जाता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, आगे इसके बाद उसने उस तालाब के एक मोड़ पर मुझे पकड़ लेता, एंड हेल्ड मी किक विद माई
लेग्स और मुझे धीरे धीरे टांगे मारने को कहता। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, सप्ताह तक मैंने ये किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने ये काम करने से इनकार कर दिया, यानी मेरी टांगें ये काम नहीं कर पा रही थी। बट ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे कुछ मुझे राहत महसूस हुई। एंड फाइनली आई कुड ओवर कमांड देम, और आखिर मैंने उन पर काबू पा लिया, यानी कि अपने भय पर मैंने काबू पाया। जस्ट पीस बाय पीस, फिर थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ट ए स्विमर, थोड़ा थोड़ा करके उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने मुझे हर एक चीज में निपुण कर दिया, हर एक चीज में मुझे परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू द इंटीग्रेटेड होल, तो उसने इन सभी तरकीबों को एकीकृत कर मुझे आजमाया, यानी सारी तरकीबें मुझ पर आजमाई। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हैं। डाई ऑफ गोते लगाइए एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और इस पूल की लंबाई को तैर कर पूरा कीजिए, पूरा करिए। क्रॉल स्ट्रोक लगाइए, नाउ क्रॉल स्ट्रोक लगाइए। आई डिड, मैंने ये किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मेरा प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मुझे अभी भी आश्चर्य डर था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मैं तो बड़ा ही भयभीत या मुझे डर, मेरे अंदर डर बैठा हुआ था। जब भी कभी मैं पूल के अंदर अकेला होता था तो मेरे अंदर बैठा हुआ डर जो था वो हमेशा मुझे बड़ा आश्चर्य सा महसूस होता था उससे। आई ट्राइड इट, मैंने इसको परखा भी, देखा भी, जांचा भी। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस तालाब की लंबाई को अप एंड डाउन पूरा किया, या तैराकी पूरी की। विस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो उस प्राचीन डर के कुछ अंश, विस्टिज कुछ अंश दोबारा से मुझे पकड़ लेते। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं तोरी चढ़ाकर उस भय को, उस तरह उस डर को मैं कहता, ट्राइंग टू स्कर मी एह, अरे मुझे आप डराने के कोशिश कर रहे हैं। वेल हेयर इज टू यू, देखिए तुम लुक देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और यह कहकर मैं पूल की दोबारा ऐसे उस लंबाई को दोबारा पार करता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक जारी रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी इस चीज़ का सुनिश्चित नहीं था कि सारा वह भय मेरा निकल गया है या उस भय से मैंने छुटकारा पा लिया है। सो आई वेंट टू लेक वेंट्सवर्थ इन न्यू हेम्सफेयर, इस प्रकार से मैं जो न्यू हेम्सफेयर में जो झील है वेंट्सवर्थ, वहाँ गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट टिर्गिस आइलैंड, टिर्गिस आइलैंड में मैंने छलांग लगाई। एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और फिर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर तैर कर मैं 2 मील की दूरी मैंने पार की। आई स्वैम द क्रॉल, मैंने क्रॉल स्ट्रोक लगाकर उसको तैर कर पार किया। ब्रीज स्ट्रोक लगाया, साइड स्ट्रोक लगाया एंड बैक स्ट्रोक लगाया, ये सब तैरने की डिवाइसेस तरीके हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार मुझे वो डर लगा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस तालाब के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मैंने उस अथा या जिसकी कोई तलैटी न है, उस पानी के सिवा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, वह छोटा सा
भावना डर पुरानी जो मेरी सेंसेशन भावना जो थी थोड़ी देर के लिए फिर से वापिस आ गई। आई लाफ एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है मिस्टर भय डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, आप क्या सोचते हैं मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। आई फ्लैड एंड सो ऑन ओनिंग, मैं वहाँ से भागा और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रिजाइडल डाउट्स, अभी भी मुझे थोड़ा सा शक था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मैं पहले अवसर पर वेस्ट की ओर गया। वेंट अप टू द टाइटियन एंड कोर्नॉल्ड मेडोस, और फिर मैं टाइटियन और कोनार्ड मीडोज़ की ओर गया। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रायल टू मैडे ग्लेशियर, और फिर वहाँ से कोनार्ड क्रीक से की दूरियों से मैडेस ग्लेशियर की ओर गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडोज, और वो हाई चढ़ागाहें जो थी वहाँ पर रुका, बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, वार्म लेक की बगल में। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप, अगले दिन मैंने कपड़े उतारे, डाइव इन टू द लेक, और पानी में छलांग लगा दी। एंड स्वैम बैक अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरा, जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि डॉग कॉर्पन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इक, और गिलबर्ट की चोटियों में से मेरी गूंज वापिस आई। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब मैं पानी के भय पर अपनी विजय प्राप्त कर चुका था, यानी कि मैं पानी के भय पर मैंने जीत प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यह अनुभव मेरे लिए एक बहुत ही गहरा मतलब रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, यह केवल उनके लिए है जिन्होंने इस भयानक युद्ध को महसूस किया है, या जिन्हें जानकारी है, एंड कॉन्कर्ड इट, या इस पर विजय प्राप्त की है। इट कैन अप्रिशिएट, वही इसकी प्रशंसा कर सकता है, यानी कि वही इस भय को जान सकता है। इन डेथ देर इज पीस, मौत में भी शांति है। देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मौत के डर का ही भय। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट को पता था, व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, जिससे हमें डर लगता है वो केवल भय ही, अपने आप में एक भय ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों की भावनाओं का अनुभव है, मरने का एंड द टेरर दैट फियर, और ऐसा भयानक आतंक या भय ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जो कि भय उत्पन्न करता है, भयानक भय उत्पन्न करता है उससे, और जो मरने की एक भावना सेंसेशन है उसमें दोनों कैसे उत्पन्न होती हैं, उसमें उसने उस दोनों चीज़ का उसे अनुभव था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, क्योंकि जीने की इच्छा मेरे अंदर ज़्यादा सघन हो गई थी, इंटेंसिटी हो गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अंत में मुझे कुछ राहत महसूस हुई। फ्री टू वॉक द ट्रायल्स एंड क्लाइम टू पीक एंड टू ब्रूस असाइड फियर, पहाड़ी रास्तों पर चलना, चोटियों पर स्वतंत्रता रूपक इधर उधर घूमना, मुझे स्वतंत्रता मिल गई थी। अब मुझे अब डर की जरा सी भी भावना नहीं थी, या यूं कह सकते हैं कि मैंने अपना डर एक तरफ रख दिया था, या उसकी मुझे अब जरा भी चिंता नहीं। दैट्स ऑल।